हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक लेबर लॉ का एक नया केस पढ़ेंगे जिसका नाम है इन रे इनलैंड स्टीम नेविगेशन वर्कर्स यूनियन 1936 का केस है ये। आइए देखते हैं इस केस के फैक्ट्स। ए यूनियन नेम्ड RSN एंड IGN एंड RY वर्कर्स यूनियन वाज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड इन 1934 बट सून आफ्टर डिक्लेयर्ड An unlawful association under section 16 criminal law amendment act 1908 by the government of Bengal. एक यूनियन फॉर्म की गई थी जिसका नाम था RSN एंड IGN एंड RY वर्कर्स यूनियन। ये फॉर्म की गई, रजिस्टर की गई, लेकिन रजिस्ट्रेशन के कुछ दिनों के बाद ही इसको गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया था। ए न्यू यूनियन अंडर द नेम ऑफ इनलैंड स्टीम नेविगेशन वर्कर्स यूनियन वॉज फॉर्म्ड एंड एन एप्लीकेशन वॉज फाइल टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस यूनियन। एक नई यूनियन बनाई गई जिसका नाम था इनलैंड स्टीम नेविगेशन वर्कर्स यूनियन और इसको रजिस्टर करवाने के लिए एप्लीकेशन फाइल की गई। द रजिस्ट्रार रिफ्यूज टू रजिस्टर द यूनियन ऑन द ग्राउंड दैट द एप्लीकेशन वॉज एन अटेम्प्ट टू हैव द RSN एंड IGN एंड RY वर्कर्स यूनियन विच वॉज डिक्लेयर्ड अनलॉफुल एसोसिएशन। रजिस्ट्रार ने इस नई यूनियन को रजिस्टर करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो नई यूनियन है ये कोई नई यूनियन नहीं है, ये वही पुरानी यूनियन है जो RSN वाली जो यूनियन थी, ये जो अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दी गई थी ये उसी को नया नाम दे के रजिस्टर करवाने की कोशिश की जा रही है, ये वही पुरानी यूनियन है, कोई नई यूनियन नहीं है। और ऐसा कहने के लिए रजिस्ट्रार ने किस इन्फॉर्मेशन पर रिलाई किया? द रजिस्ट्रार रिलाइड अपॉन अ लेटर रिटन बाय द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इनलैंड स्टीम नेविगेशन वर्कर्स यूनियन टू द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल वेयर एन इट वाज स्टेटेड दैट ही हैड बीन डायरेक्टेड बाय द जनरल बॉडी ऑफ द RSN एंड IGN एंड RY वर्कर्स यूनियन टू अप्रोच द गवर्नमेंट एंड रिक्वेस्ट दैट द नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 16 डिक्लेयरिंग द RSN एंड IGN एंड RY वर्कर्स यूनियन एज अनलॉफुल एसोसिएशन बी विदड्रॉन। मतलब जो ये जो नई यूनियन थी इनलैंड स्टीम नेविगेशन वर्कर्स यूनियन, इसका जो जनरल सेक्रेटरी था उसने गवर्नमेंट ऑफ बंगाल को एक लेटर लिखा था जिसमें उसने लिखा कि जो पुरानी यूनियन थी RSN एंड IGN वाली, उसकी जो जनरल बॉडी है उन्होंने इसे डायरेक्ट किया है कि ये गवर्नमेंट को एक लेटर लिखे और ये रिक्वेस्ट करे कि जो सेक्शन 16 के अंदर जो नोटिफिकेशन है जिसमें ये कहा गया है कि RSN एंड IGN अनलॉफुल एसोसिएशन है उसको विड्रॉ कर लिया जाए। तो इसी से रजिस्ट्रार ने ये इन्फ्रेंस ले लिया कि ये जो यूनियन है ये सेम है, क्योंकि इनलैंड स्टीम नेविगेशन का जो जनरल सेक्रेटरी है वो पुरानी वाली यूनियन का अनलॉफुल एसोसिएशन वाला जो टैग है उसको हटाने की रिक्वेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट से। तो रजिस्ट्रार ने सोचा कि ये तो सेम ही यूनियन है और इसीलिए उन्होंने इसको रजिस्टर करने से मना कर दिया। रजिस्ट्रार के इसी ऑर्डर के अगेंस्ट एक अपील फाइल की गई अंडर सेक्शन 11 ऑफ द ट्रेड यूनियंस एक्ट। आइए देखते हैं हाई कोर्ट ने इसमें क्या कहा। द कोर्ट हेल्ड दैट द रजिस्ट्रार इन टेकिंग अप दैट एटीट्यूड वाज रॉन्ग। हाई कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रार ने जिस तरीके से ये इन्फ्रेंस लिया कि ये यूनियन जो है वो सेम है, ये बहुत ही गलत था। और इसके साथ ही रजिस्ट्रार ने ना उन लोगों को अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी थी कि वो इसके बारे में कुछ कहें, उन्होंने बताया भी नहीं था कि हम इस लेटर के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, क्योंकि जो भी एविडेंस होते हैं आपको उनको बताना होता है और उन्हें एक मौका देना होता है कि वो भी उसके बारे में कुछ कहें। तो उनको कहने के बारे में तो मौका ही नहीं दिया गया, तो इट्स अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस। तो वो कहते हैं कि ये जो एटीट्यूड था रजिस्ट्रार का वो बिल्कुल ही गलत था। इसके साथ ही हाईकोर्ट क्या कहता है, द फंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार आर लेड डाउन इन सेक्शन 8 ट्रेड यूनियन एक्ट का। जो सेक्शन 8 है वो बताता है कि रजिस्ट्रार की क्या क्या ड्यूटी हैं, क्या फंक्शंस हैं। द रजिस्ट्रार ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द ट्रेड यूनियन हैज कंप्लाइड विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट इन रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन शैल रजिस्टर द ट्रेड यूनियन। सेक्शन 8 क्या कहता है कि रजिस्ट्रार अगर इस बात से सेटिस्फाई है कि एक ट्रेड यूनियन ने जो भी रिक्वायरमेंट्स है रजिस्ट्रेशन की उनको कंप्लाई किया है, उनको पूरा किया है, जो भी रिक्वायरमेंट है अगर एक ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करवाने की जो भी रिक्वायरमेंट्स है अगर वो पूरी कर दी है तो फिर रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसे रजिस्ट्रेशन करना ही चाहिए।
द ड्यूटीज ऑफ द रजिस्ट्रार वर टू एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट फॉर विच द यूनियन वॉज फॉर्म्ड इफ दोज ऑब्जेक्ट्स वर ऑब्जेक्ट्स सेट आउट इन द एक्ट एंड इफ दोज ऑब्जेक्ट्स डिड नॉट गो आउटसाइड द ऑब्जेक्ट्स प्रेस्क्राइब्ड इन द एक्ट एंड इफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट एंड द रेगुलेशन मेड देयर अंडर हैड बीन कंप्लाइड विद इट वॉज हिज ड्यूटी टू रजिस्टर द यूनियन. हाईकोर्ट क्या कहता है कि रजिस्ट्रार को ये देखना है कि जो भी एप्लीकेशन उसके पास आई है उसमें उस ट्रेड यूनियन के ऑब्जेक्ट क्या हैं, और अगर वो ऑब्जेक्ट वही है जो ऑब्जेक्ट ट्रेड यूनियन एक्ट में बताए गए हैं कि इन इन ऑब्जेक्ट वाली ट्रेड यूनियन को रजिस्टर किया जा सकता है, वही ऑब्जेक्ट्स हैं और जो एप्लीकेशन के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं ट्रेड यूनियन के वो एक्ट के जो प्रेस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे बाहर नहीं जाते, तो फिर और जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं रेगुलेशंस हैं जो भी एक्ट के अंदर दिया हुआ है जितनी भी कंडीशन है एक यूनियन को रजिस्टर करने के लिए, अगर वो सारी पूरी होती हैं तो फिर रजिस्ट्रार की ड्यूटी ये है कि वो उस यूनियन को रजिस्टर करे. यहाँ पर रजिस्ट्रार के लिए ये बात इररिलेवेंट है कि वो वही पुरानी यूनियन है या नहीं है, क्या ये उसी पुरानी यूनियन को एक नया नाम देकर यूनियन को रजिस्टर करवाने की कोशिश है. रजिस्ट्रार को बस ये देखना है कि एक ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने की जो भी कंडीशंस हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं. अगर वो कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो रजिस्ट्रार को उस ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करना ही है. तो बस यही था इस केस का डिसीजन. आई होप आपको ये केस समझ में आ गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.